चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, वैसे तो हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज एंड अदर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज के फॉर्मूले निकाल चुके थे। हमने काफ़ी हद तक इस बात का आइडिया भी लगा लिया था कि कहाँ कहाँ नोड बनेंगे, कहाँ कहाँ एंटी नोड बनेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन चलिए अब कुछ सवाल भी कर लेते हैं। और आज का मेन काम ऑफ कोर्स सवाल करना और इसके बेसिस पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उनको देखना है। तो चलिए दो चार छोटे छोटे सवाल हैं, बड़ा कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, आपके पास कोई ओपन ऑर्गन पाइप है, उस ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो गैस है वो नाइट्रोजन है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000 हर्ट्स, दैट इज 2000 हर्ट्स। फेयर इनफ। आई रिप्लेस नाइट्रोजन गैस बाय ऑक्सीजन गैस, व्हाट विल बी? I replace nitrogen gas by oxygen gas. बाकी सारी चीज़ें सेम है without changing temperature. बाकी चीज़ें बड़ा बिल्कुल सेम है without changing temperature. सिर्फ और सिर्फ गैस चेंज किया, टेम्परेचर वगैरह वही है. What will be new fundamental frequency? नई वाली fundamental frequency क्या होगी? अभी सोचते हैं। हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है तो बोथ एंड्स ओपन, एज यू नो दैट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑफ कोर्स बड़ा वी अपॉन 2L। वी हम जानते हैं, वी का फॉर्मूला बड़ा हम जानते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन एम। एम इज ऑफ कोर्स मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास इज 28 ग्राम पर मोल। वैसे बेटा मुझे इसको SI यूनिट में लिखना चाहिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो रेशियो लेंगे इसलिए वो चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी तो क्या होगा? तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी वी अपॉन 2L। लेंथ तो बेटा वापस से वही, वी जरूर चेंज हो गया, वही गामा। सर गामा सेम क्यों? बेटा गामा मैंने आपको सिखा रखा है कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का सेम होगा, दोनों ही डायटोमिक गैस है, दोनों का एक गामा 7/5 होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों का सेम होता है। आर सेम, टेम्परेचर आपने चेंज किया नहीं। हाँ, ऑक्सीजन का मोलर मास, एज यू नो दैट ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ऑफ कोर्स बेटा कितना आएगा? 32 ग्राम पर मोल। ये भी ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल, तो हमारा काम चल जाएगा। जस्ट डिवाइड करना है मेरे पास ये वाली नई वाली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। I could easily say F naught dash upon F naught is equals to F naught dash, but ये F naught की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 2000 should be equal to, बड़ा दोनों को डिवाइड किया तो 2L कैंसिल, गामा आर टी कैंसिल, मेरे पास ये आ गया, दैट इज 28/32। हमारे पास F naught की वैल्यू आ गई है 2000 root 7/8। इस फोर बाउंड का 1000 root 7/200। अगर आप नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हो अगर ऑक्सीजन से तो दिस विल बी योर न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई हमसे पूछ ले कि सेकंड हार्मोनिक कितनी होगी इस ऑक्सीजन गैस में, सेकंड हार्मोनिक क्या होगी? हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सेकंड हार्मोनिक होगी 2 times F naught। थर्ड हार्मोनिक क्या होगी? 3 times F naught। पांचवी ओवरटोन क्या होगी? तो बोथ एंड ओपन है तो पांचवा ओवरटोन मतलब छठा हार्मोनिक, तो आप कह सकते हो कि 6 times 10। कोई मुझसे पूछ ले कि 9th ओवरटोन क्या होगा, तो हम समझ गए कि बोथ एंड ओपन है मतलब 9th ओवरटोन मतलब 10th हार्मोनिक विल बी ऑफ कोर्स
10 टाइम्स हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं। सवाल अच्छा है, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। आपके पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेटा 260 हर्ट्ज दे रखी है। दिस ट्यूनिंग फोर्क इज इन रेजोनेंस विथ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। व्हेन आई से क्लोज्ड आई ऑब्वियसली मीन कि वन एंड ओपन वन एंड क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, इस ऑर्गन पाइप के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज 350 मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्गन पाइप की बड़ा लेंथ मुझे पता नहीं है, मैं लेंथ क्या आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। सवाल लिखिए बच्चों, सवाल लिखिए। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सच दैट organ pipe is in resonance with the tuning fork. इस organ pipe की कम से कम कितनी length हो कि ये organ pipe जो है ये tuning fork के साथ resonance में हो। When I say कि दोनों रेजोनेंस में हो तो मेरे कहने का अर्थ ही है कि ये ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है ये इस ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस क्रिएट कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस ट्यूनिंग फोर्क की भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वेरी सिंपल, ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसके रेजोनेंस के बड़ा तुम फॉर्मूला जानते हो, ऑड टाइम्स वी अपॉन फोर है। मतलब बेटा यहां पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, चाहो तो यहां पर 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो, मर्जी बेटा। दिस 260 हर्ट्ज शुड बी इक्वल टू ऑड टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड 350 अपॉन 4 टाइम्स l। l की वैल्यू आ गई ऑड टाइम्स 350 अपॉन 4 टाइम्स 260। सब कुछ एस आई यूनिट में है तो ऑब्वियस बात है कि आंसर बेटा मीटर में आएगा, तो आप कह सकते हो कि इट विल बी ऑड टाइम्स थर्टी फाइव अपॉन बेटा 104 मीटर्स। 1 रखूंगा तो एक आंसर आएगा, 3 रखूंगा तो एक आंसर और आएगा, 5 रखूंगा तो एक आंसर हो जाएगा। तो इस ऑर्गन पाइप की खूब सारी लेंथ हो सकती है और हर ऑर्गन पाइप जो होगी वो ऑफ कोर्स इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में होगी। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि सबसे छोटे लेंथ की ऑर्गन पाइप कौन सी होगी। बड़ा सबसे छोटी अगर चाहिए तो इट मींस दैट आपको ये एल मिनिमम चाहिए, ये एल मिनिमम चाहिए तो ऑड की मिनिमम ले लो बड़ा कौन सी 1। हमारे पास लेंथ आ गई है दैट इज 35 अपॉन 104 मीटर्स। इतने मीटर की बेटा ऑर्गन पाइप कम से कम होनी चाहिए, बाकी भी हो सकती है इसकी 3 times 5 times 7 times 9 times एंड सो ऑन, इसके सारे ऑड मल्टीपल्स पॉसिबल है। ठीक है आगे चलते हैं बच्चों, एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं। चलिए बेटा एक और करते हैं। हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ऐसे, और इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है वो बड़ा मुझे पता नहीं है, मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। दिस इज पाइप 1। हमारे पास एक पाइप और है, दिस इज योर ओपन ऑर्गन पाइप। इसकी लेंथ मुझे पता है, इट इज 60 सेंटीमीटर्स, इसकी 60 सेंटीमीटर्स। दिस इज पाइप 1, दिस इज पाइप 2। ठीक है सवाल है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप 1 इज इक्वल टू
सेकेंड ओवरटोन ऑफ पाइप टू, इसकी फंडामेंटल जो है वो इसकी सेकेंड ओवरटोन के बराबर है. देन फाइंड लेंथ ऑफ पाइप वन. पाइप वन की लेंथ बतानी है. बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. सुनिए, इसकी फंडामेंटल, पाइप वन की फंडामेंटल मेरे सारे बच्चे जानते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला होता है ऑड टाइम्स वी अपॉन 4L. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी आती है. वी नो दैट कि स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी वी अपॉन 4L. ठीक है, शुड बी इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ दिस. अच्छा, दोनों एंड ओपन है तो बेटा थोड़ा बहुत तो नोमेनक्लेचर याद हो गया होगा. सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक. इसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप बोलोगे सर इसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इस केस में फॉर्मूला होता है वी अपॉन टू टाइम्स इसकी लेंथ. बेटा लेंथ मैं जानबूझ के 0.6 लिख रहा हूँ, 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो मर्जी बेटा, वैसे भी आपकी कंपेरिजन तो करना है लेकिन SI यूनिट में लिख देते हैं. मुझे बोल रखा है कि ये और ये बराबर है. ऑफकोर्स मैं दोनों में स्पीड बेटा सेम लूंगा क्योंकि स्पीड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि इसके अंदर ये वाली एयर है, इसमें ये वाली एयर है. जब तक कुछ नहीं बोल रखा बेटा, मैं दोनों में एयर बराबर मान के चलूंगा. ये दोनों फ्रिक्वेंसीज मुझे बराबर करने के लिए बोल रखा है. मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि वी अपॉन 4L इज 3V अपॉन 2 टाइम्स 0.6. वी से वी गया, मेरे पास 2L की वैल्यू आ गई है 0.6 अपॉन 3, दैट इज 0.2. कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा. L की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. दैट इज बेटा 10. इसकी लेंथ बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर. समझ में आएगा बेटा? आसान सा ये सवाल था. आगे चलिए, एक और करते हैं बेटा, इसमें एक और करते हैं. मतलब आपको नॉमनक्लेचर सारे के सारे याद हो जाए, गिनती सारे के सारे याद हो जाए, इसलिए एक सवाल और करते हैं. दोनों ही बेटा ठीक है ना, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, और ये पाइप वन ये पाइप टू, इसकी लेंथ पता नहीं है. सवाल ये है, थर्ड ओवरटोन frequency of pipe 1 is equal to third overtone frequency of pipe 2. इसकी third overtone और इसकी third overtone same है. Then find लेंथ ऑफ पाइप वन. बड़ा सवाल तो समझ गए ना, इसकी थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी और इसकी थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है तो मुझसे पूछा गया बताओ इसकी लेंथ क्या होगी. कर लेंगे, इसी बहाने हमें थोड़ी बहुत ना लैंग्वेज और बेटर आ जाएगी यार, है ना. तो चलो चलो करते हैं. इसकी थर्ड ओवरटोन, मेरे प्यारे बच्चों पता नहीं आपको याद है या नहीं है, इसकी थर्ड ओवरटोन वन एंड ओपन वन एंड क्लोज. थर्ड ओवरटोन मतलब सेवेंथ हार्मोनिक, नहीं याद है. फर्स्ट ओवरटोन थी थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन थी फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन होगी सेवेंथ हार्मोनिक. मैंने याद भी करा रखा था कि वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज हो तो kth ओवरटोन जो होगा वो 2k प्लस 1th हार्मोनिक होगा. सो थर्ड ओवरटोन है मतलब सेवेंथ हार्मोनिक. सेवेंथ हार्मोनिक मतलब 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स वी अपॉन 4L. इट शुड बी इक्वल टू इसकी सेवेंथ हार्मोनिक. अरे यार इसकी सेवेंथ हार्मोनिक होगी 7 टाइम्स. सॉरी इसकी सेवेंथ थोड़ी, इसका भी थर्ड ओवरटोन. इसका थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक.
सर ऐसा कैसे? ऐसा ही था, जब दोनों एंड ओपन थे तब याद कीजिए फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक थी, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक थी, थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक थी, और इसका फोर्थ हार्मोनिक होगा फोर टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों याद होगा V अपॉन 4L, सॉरी बेटा इसका L तो हमें सवाल में दे रखा है, दैट इज 0.6। V से V कैंसिल, हमारे पास आ गया है 4L/7 इज इक्वल्स टू 2 × 0.6/4। मैंने सही तो क्या ना, 4L/7 इज 2 × 0.6/4। बेटा मेरे पास L की वैल्यू आ गई है 2 × 0.6/4 × 7/4 मीटर्स में। बेटा ये आंसर है, एक बार बेटा चेक करना। ठीक है, 8.4/16 ऑफ कोर्स आंसर इज इन मीटर्स, आंसर इज इन मीटर्स। इसी बहाने बेटा आपको याद भी हो गए होंगे कि कौन से ओवरटोन कैसे कैसे। अगर नहीं याद हुए मैं वापस से लिख देता हूं कि अगर आपके बोथ एंड ओपन हो तो आप कह सकते हो कि जो kth ओवरटोन है वो k+1th हार्मोनिक है, और अगर वन एंड ओपन हो जिसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, उसके अंदर आपका जो kth ओवरटोन होगा वो 2k+1th हार्मोनिक होगा। आई होप आपको याद हो भी क्या होगा अब तक। तो आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट एक और करते हैं सवाल। सुनिए बेटा एक सवाल और करते हैं। हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो एक एंड ओपन हो गया एक क्लोज हो गया। मैंने इसको बीच में से कहीं से कट किया, बीच में मतलब बेटा एग्जैक्टली मिड नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से कट किया। अगर मैं कट करूंगा तो इससे दो ऑर्गन पाइप बन जाएंगे, इससे दो ऑर्गन पाइप बन जाएगी। एक तो ऑफकोर्स यहां से अगर कट करूंगा तो इधर वाली तो ओपन बन जाएगी और इधर वाली ऑफकोर्स क्लोज बन जाएगी। इतना तो समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसको बीच में से कहीं से कट करूंगा तो इधर वाली तो ओपन ऑर्गन पाइप और इधर वाली क्लोज ऑर्गन पाइप ऐसे बन जाएगी। आपके पास जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को 450 हर्ट्ज, और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 675 हर्ट्ज। इस ऑर्गन पाइप के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करने के बाद जो ओपन ऑर्गन पाइप थी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 675 हर्ट्ज। तो आपको यह बताना है कि जो आपकी ओरिजिनल ऑर्गन पाइप थी, आपके जो ओरिजिनल ऑर्गन पाइप थी उसकी सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। आई होप मुझे सवाल को वर्ड्स में लिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा डायग्राम अपने आप में काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हो कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट विच इज ऑफकोर्स ओपन एट बोथ एंड्स हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज, another part which is obviously closed organ pipe have fundamental frequency 675 hertz, then what will be the second overtone frequency of the actual pipe। ये सवाल है, कर लेंगे यार। मैं इसकी लेंथ एक बार के लिए L1 मान लूं, इसकी लेंथ L2 मान लूं, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी लेंथ होगी L1 + L2। इसकी सेकेंड ओवरटोन पूछी गई है,
वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, जिसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं, उसके सेकंड ओवरटोन का मतलब है पांचवा हार्मोनिक, 2K+1, 2×2+1, पांचवा हार्मोनिक। पांचवे हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी होगी 5 times फंडामेंटल, फंडामेंटल होती है वी अपॉन 4 times इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कोर्स है L1+L2। सर ये L1 L2 कैसे आएंगे? आ जाएंगे, चिंता मत करो। इसको देखो, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अरे बोथ एंड ओपन है, बोथ एंड ओपन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन 2L, इसकी लेंथ L1, एंड वी नो दैट इट इज गिवन एज 450 Hz। इसका वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 4 times इसकी लेंथ, लेंथ इज L2 एंड इट इज गिवन एज 675 Hz, दैट इज 5 times v अपॉन 4 times L1 एंड L2। L1 कैन बी रिटन एज v अपॉन 2 times 450 प्लस L2 कैन बी रिटन एज v अपॉन 4 times 675। दिस v विल गेट कैंसिल आउट एंड वी विल गेट द आंसर, बड़ा हमारा आंसर आ जाएगा। V बेटा क्या? और सर V सेम क्यों माना? बेटा एयर में ही हो रहा होगा सब कुछ, एयर में बेटा जो स्पीड यहाँ पर वही स्पीड यहाँ पर, वही स्पीड यहाँ पर। सॉल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन में क्या है, छोटी सी कैलकुलेशन है बेटा, एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल देना, लिख देना बेटा जो भी आंसर आओ इसके आगे लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा आगे चले नेक्स्ट। एक छोटा सा सवाल और, हमारे पास ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसको मैंने मिड से हिंज कर रखा है, बिल्कुल मिड से हिंज कर रखा है, मिड से हिंज कर रखा है, तो इधर L/2 बड़ा, इधर भी L/2 और इधर भी L/2। मैं इस एल्यूमिनियम रॉड के अंदर कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चाहता हूँ, ट्रांसवर्स नहीं है, ट्रांसवर्स के लिए मैं क्या करता कि ये रॉड को बीचों बीच मैंने हिंच कर दिया, तो ऐसे करता, ऐसे टक्कर करता तो इस तरह की ट्रांसवर्स वेव बन जाती। लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक रेजिन क्लॉथ लूंगा और उसको इस तरह से वाइब्रेट करूंगा, अगर मैं उसको इस तरह से वाइब्रेट करूंगा तो इसके अंदर ऐसी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाएंगी। बीचों बीच वाला पॉइंट हिंज है तो ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर सकता, तो पक्की बात है कि ये वाला जो पॉइंट है तो नोड होगा, हाँ बाकी पॉइंट्स होंगे वो हल्के 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 यू और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बना लेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को लॉन्गिट्यूडनल वेव दी, इस तरह से मैंने एक रेजिन क्लोथ यूज करके ऐसे ऊपर से पकड़ा और यूं ही बड़ा मैंने इसको वाइब्रेट कराया, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन गई और वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं, सवाल में गिवन है और वो स्टैंडिंग वेव्स बना रही हैं इस तरह से कि ये फंडामेंटल मोड के अंदर ये सारी सारी जो रोड है ये वाइब्रेट कर रही है फंडामेंटल मोड में। तो चलिए सोचते हैं, इस रेजिन क्लोथ से हम लोगों ने longitudinal wave generated in the aluminium rod. Our rod is oscillating. ऐसे ऐसे बेटा, our rod is oscillating like this.
इन फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड के अंदर बेटा रॉड इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। हमें एल्यूमिनियम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मुझे दे रखी है 2600 केजी पर मेट्रिक क्यूब। यंग्स मॉडुलस बेटा मुझे दे रखा है 7.8 × 10⁻¹⁰ यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हो, और इससे अगर कोई साउंड क्रिएट होती है आप सुन पाते हो तो साउंड वेव भी कह सकते हो, एक ही बात है। फाइंड स्पीड ऑफ वेव इन एल्यूमिनियम रॉड। दूसरा फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेव। तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। बेटा तुम ये सारे के सारे काम करो, मैं तब तक इंक भरता हूँ। इंक तो बड़ा है नहीं बड़ा, तुम छोटे छोटे बेटा सवाल है फटाफट करो। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बड़ा आपको दे रखा है, रॉड की जो लेंथ है बड़ा आपको गिवन है। लेंथ ऑफ रॉड का गिवन नहीं ले रहा, टोटल लेंथ जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर गिवन है, वरना आंसर तो एल्यूमिनियम में आ जाए। वापस बोलता हूँ बेटा, ये एल गिवन है रोड का, रोड की बेटा लेंथ जो 20 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव इज ऑफ कोर्स, अगर ये कोई फ्लूड होता तो अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन रो, मैं आपको सिखा चुका हूं। सॉलिड में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन रो, दैट इज अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, बड़ा यंग्स मॉडुलस में लिखा होगा दैट इज 7.8 × 10⁻¹⁰ डिवाइड बाई रो, दैट इज 2600। बड़ा 780/26 बड़ा कितना 30, थर्टी का बड़ा रूट देखना कितना आता है, 5.477 × 10⁻³। सो स्पीड ऑफ साउंड कम्स आउट बी 5.477 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा।
ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई। आगे चलो वेवलेंथ। वेवलेंथ की जहाँ तक बात है, मैं जानता हूँ कि हमारे पास ये जो रॉड है इसका बीचों बीच वाला पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है। ये वाला एंड फ्री है और ये वाला एंड फ्री है। ये जो दोनों एंड फ्री हैं, दे विल बिहेव लाइक एंटीनोड्स, और दोनों फ्री एंड हैं तो एंटीनोड से खत्म होगा, एंटीनोड पे स्टार्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर कर्व की बात करूं तो पूरा कर्व बन जाएगा, एंड कर्व विल बी लाइक दिस। ग्राफ का जो कर्व है इट विल बी लाइक दिस। इसका ये अर्थ मत निकालना कि ये वाला पार्टिकल यू यू ऑसिलेट कर रहा है, कि ये वाला पार्टिकल यू यू ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, सिर्फ यही अर्थ है। अदरवाइज थोड़ा ये वाला जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट तो यू यू कर रहा है, ठीक। एंटीनोड से एंटीनोड तक की जो डिस्टेंस होती है, आई रियली होप कि याद हो कि दैट इज लैम्डा बाय टू। कंसिक्यूटिव एंटीनोड से एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय टू, एंड इट शुड बी इक्वल टू द लेंथ। बड़ा लेंथ मैंने 20 सेंटीमीटर लिख दिया है, तो इसको 0.2 मीटर लिख दूं, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है 0.4 मीटर। दूसरा सवाल भी हो गया। बड़ा मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, अरे यार फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स वी बाय लैम्डा। बड़ा वी बाय लैम्डा, वी कितना है, कहाँ बेटा 5477 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 0.4। करना बेटा जरा डिवाइड करना कितना आंसर आता है, तुम लोग थोड़ा खुद ही डिवाइड क्या करो। 5477 डिवाइडेड बाई 12 होनी चाहिए, वैसे भी लैम्डा आपका 12 के बराबर ही है, एक ही बात है, जैसे सोचना चाहो वैसे सोचो, इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। लेकिन कभी मान लो कि बेटा अगर इस तरह से एल्यूमिनियम वगैरह आ जाए तो आपसे सवाल बनना चाहिए, मेन बात तो ये है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए बेटा हमने खूब सारे सवाल कर लिए, हम इस तरह के सवाल आप HCV में से अपनी शीट में से निपटा सकते हो बेटा, ठीक है। और खूब सारे सवाल हैं, चाहे HCV हो चाहे अपनी शीट हो, मोस्टली सवाल तो है ही पूरे के पूरे साउंड वेव्स में, दो टॉपिक के, ये ऑर्गन पाइप के और डॉपलर इफेक्ट के। कोई से भी शीट ले लो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, इन दो टॉपिक पे सारे के सारे सवाल होते हैं, सारे सवाल इन पे होते हैं, मोस्टली मतलब उन पे होते हैं, ठीक। और यही चैप्टर के लास्ट में आते हैं, है ना। आगे चलिए बेटा एक छोटी सी बात और ये हमें पता होनी चाहिए। सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई पाइप है, और वो इस तरह से ओपन है, तो हमने माना था, याद किया था सारी बातें हैं, कि इस पॉइंट पर प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा बिल्कुल कोने पर। बट सम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स शोड अस कि जो प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड है, ये जस्ट पाइप के एंड पर नहीं होता, बल्कि हल्का सा बाहर होता है, हल्का सा बाहर होता है। और जितना बाहर होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर एंड करेक्शन, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हल्का सा बाहर होता है तो हमारा जो प्रेशर का नोड या फिर हमारे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, वो हमेशा ओपन एंड से हल्का सा बाहर होगा, और ओपन एंड से हल्का सा बाहर होगा, दिस इज नोन एज योर एंड करेक्शन। जितना बाहर होगा, बड़ा मैं उसको ई से लिख रहा हूं। सर अभी तक अपन ने जितने सवाल किए उनमें तो कभी अपन ने ना इस डिस्टेंस को यूज नहीं किया। मोस्टली सवालों में हमें इस एंड करेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल लाइफ के अंदर एंड करेक्शन होता है। और ये जो एंड करेक्शन होगा, ये अगर आपके ए ऑर्गन पाइप जो है, इसका रेडियस अगर आर है,
तो ये जो एंड करेक्शन है ये रफली 0.6 टाइम्स आर के आसपास होगा, ये रफली बेटा 0.6 टाइम्स आर के आसपास होगा। सो योर प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड डजेंट लाई एट द एंड ऑफ द ट्यूब, डजेंट लाई एट द एंड ऑफ द क्लोज्ड एंड ऑफ द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब बट लिटिल बिट आउटसाइड, जितना हल्का सा बाहर होगा दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो बेटा एक छोटी सी लाइन लिख लेगा बेटा, लिखना पूरा लिखना, प्रेशर नोड एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, बेटा तुम पूरा लिखना प्रेशर नोड एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड डजेंट एग्जैक्टली लाई एट ओपन एंड ऑफ ट्यूब बट slightly outside the open end, open end से slightly बाहर लाई करता है, this is known as end correction, बड़ा इसको हम end correction बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये बात कैसे प्रूव की गई, बड़ा एक्सपेरिमेंट से की गई, हम वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे भी बड़ा जिससे इस बात को प्रूव किया गया, और इस एंड करेक्शन की जो वैल्यू है ये 0.6 टाइम्स रेडियस ऑफ ट्यूब, बड़ा ये आर क्या है, ये आर है आपका रेडियस ऑफ ट्यूब, इतना सा बात है। हम इवन वो एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे जिसमें बड़ा इस बात को प्रूव किया गया है ना, वो हमारे कोर्स में है, हमें आना चाहिए, आ भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज, जैसे इस एंड करेक्शन को कंसिडर करते हैं एक बार ओपन ऑर्गन पाइप और उसकी बातें करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप आप जानते हैं दोनों एंड से ओपन है, इस ओपन ऑर्गन पाइप की बड़ा लेट से लेंथ है एल और इसका रेडियस लेट से मेरे प्यारे बच्चों है आर। तो अभी तक ये हम मानते आए थे कि प्रेशर के नोड से नोड तक जो पूरा लूप्स बनेंगे वो इस एल डिस्टेंस से बनेंगे, आज हमें पता लगा कि प्रेशर का नोड यहां नहीं, यहां से हल्का सा बाहर, प्रेशर का नोड यहां नहीं, यहां से हल्का सा बाहर। तो आपके प्रेशर के जो नोड है जिनके बीच में बड़ा आपका पूरी की पूरी स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, उनके बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो यहां से तक जो इफेक्टिव डिस्टेंस है जिसकी वजह से सारे के सारे स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, वो लेंथ आपको बेटा यहां से यहां तक लेनी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी जहां से पूरा नोड टू नोड बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो इफेक्टिव लेंथ आएगी एल तो ठीक है प्लस ई प्लस ई, तो इफेक्टिव लेंथ आएगी एल प्लस टू ई या फिर एल प्लस टू टाइम्स बेटा व्हाट इज ई, is we know that that is 0.6 times r, but 0.6 times of r that comes out to be l plus 1.2 times of r। और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर यहां पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज का फॉर्मूला क्या है, बड़ा फॉर्मूला था n v upon 2l, लेकिन l कौन सा, ये लेंथ, आपको ना सर रेजोनेंस तो इस बार यहां से यहां है, तो आपको इफेक्टिव लेंथ लेनी है एंड वी नो दैट की इफेक्टिव लेंथ इज एल प्लस टू ई या फिर एल प्लस 1.2 टाइम्स रेडियस ऑफ द ट्यूब। आई होप इट्स ओके। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अगर मैं आपको कहूं कि इसी में एक बार क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और देख लो,
एज वी नो दैट कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्लोज होगा। अब जो एंड क्लोज है ना, वहां पर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का नोड और प्रेशर का एंटीनोड होना ही होना है। हाँ, अगर आपके ट्यूब की लेंथ अगर L है तो अब प्रेशर का जो नोड था वो यहां नहीं बनेगा, प्रेशर का नोड हल्का सा बाहर बनेगा और जितना बाहर बनेगा उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्यूब है अगर उसका रेडियस R है तो ये 0.6 टाइम्स R है। तो प्रेशर का जो नोड होगा वो यहां बनना तय है, क्लोज्ड एंड पर किसी प्रकार का कोई एंड करेक्शन नहीं होगा, यहां पर आपका एंटीनोड बनना तय है। तो यहां से यहां तक की जो इफेक्टिव लेंथ है आपकी, वो इफेक्टिव लेंथ हो गई है एल प्लस एंड करेक्शन। यहां पर एंड करेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में, दोनों साइड में नहीं है, और इससे आप कह सकते हो दैट इज एल प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ आर। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज क्या होगी, तो मैं कहूंगा ऑड टाइम्स वी अपॉन 4L। L मतलब पूरी स्टैंडिंग वेव जहां से जहां तक बन रही है उसकी पूरी लेंथ। आप बोलो सर पूरी लेंथ L नहीं है, L प्लस E है, दैट इज ऑड टाइम्स वी अपॉन 4 टाइम्स L प्लस 0.6 टाइम्स रेडियस ऑफ द ट्यूब। आई होप इट्स ओके बेटा, बहुत ज्यादा टफ काम तो नहीं था ये। अच्छा, मैं यहां पर एक बात तो बोलूंगा कि ये सवाल करने के बाद बच्चा ये सोचता है, मतलब ये फॉर्मूला देखने के बाद बच्चा ये सोचता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे एंड करेक्शन कंसिडर करनी नहीं करनी। सर मैंने आपने तो खूब सारे सवाल करा दिए और किसी भी सवाल के अंदर आपने एंड करेक्शन यूज ही नहीं किया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं लेंथ जो है उस लेंथ के अंदर ट्यूब की लेंथ प्लस 0.6 टाइम्स आर और जोड़नी पड़ती है, बोथ एंड ओपन हुए तो 0.6 आर इधर और 0.6 आर इधर, फिर पूरी लेंथ लिखनी है। क्लोज ओपन पाइप हुई तो एक बार 0.6 टाइम्स आर लिखनी है, तो सर पता कैसे चलेगा? और जितने सवाल आपने कराए आपने कभी किसी सवाल के अंदर कोई एंड करेक्शन यूज नहीं किया, तो सर हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कब एंड करेक्शन कंसिडर करना है और कब नहीं करना है? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, अगर सवालों के अंदर आपको ट्यूब की रेडियस दे रखी हो तो इसका मतलब वो आपसे एंड करेक्शन करवाना चाहता है। हमने जितने भी सवाल किए थे, याद कर लो बेटा, हमने जितने भी सवाल किए थे किसी भी सवाल के अंदर मैंने आपको ट्यूब की रेडियस दी ही नहीं थी। जब ट्यूब की रेडियस आपको पता ही नहीं है तो आप एंड करेक्शन निकाल ही नहीं सकते, और जब तक आप एंड करेक्शन नहीं निकाल सकते ऑब्वियस बात है कि तब तक हम किसी प्रकार का ये एंड करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते। एंड करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तभी यूज कर सकते जब ट्यूब का रेडियस आपको दे रखा हो। तो ये सीधा साधा हिंट है, ट्यूब का रेडियस दे रखा हो या सवाल में पूछा हो तो उस केस में एंड करेक्शन कंसिडर करें, अदरवाइज एंड करेक्शन कंसिडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फेयर एनफ। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं, छोटा सा ही सवाल बेटा। ये आपके पास एक ट्यूब है बेटा, ट्यूब की जो रेडियस है वो बड़ा 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 2.5 सेंटीमीटर है। जो ट्यूब की टोटल लेंथ है बड़ा वो आपके पास 97 सेंटीमीटर है। अंदर बड़ा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 350 मीटर पर सेकंड है। फाइंड एंड करेक्शन, दूसरा इफेक्टिव लेंथ,
फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फोर्थ हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी ओ सॉरी हार्मोनिक तो सीखी गए नाइन्थ ओवल टोन फ्रीक्वेंसी। तो पहली बात तो बेटा सवाल की लैंग्वेज देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार आपको एंड करेक्शन कंसिडर करना है। कैसे पता लगा? रेडियस से। एंड करेक्शन यहां पर आपके पास बेटा ऑफकोर्स एंड करेक्शन है, यहां पर भी बेटा आपके पास एंड करेक्शन है। इस एंड करेक्शन का वैल्यू तुम जानते हो 0.6 टाइम्स आर, 0.6 टाइम्स 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? 97 सेंटीमीटर तो ये है ही है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? बोथ हैंड्स आर ओपन, बोथ हैंड्स आर ओपन, सो ऑफ कोर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी वी अपॉन 2 टाइम्स एल। एल बेटा पूरी लोब, इफेक्टिव लोब, तो आप कह सकते हो दैट इज 350 अपॉन 2 इनटू 1, आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 175। फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, अरे भाई फोर्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी विल बी 4 टाइम्स, दैट इज 700 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, सॉरी नाइन्थ ओवरटोन फ्रीक्वेंसी? बोथ एंड्स आर ओपन, इट ऑब्वियसली मींस कि नाइन्थ ओवरटोन मतलब 10th हार्मोनिक, एंड 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी विल बी 10 टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल इज 175, सो इट कम्स आउट बी 1750 हर्ट्ज। ये बेटा आपका आंसर। अगर एक एंड क्लोज होता तो आप जानते ही क्या क्या अंतर पड़ते। एक अंतर तो बड़ा ये पड़ता कि बेटा यहां पर सिर्फ 1.5 ही ऐड करता और फॉर्मूले में फर्क पड़ता, v अपॉन 2l नहीं बेटा v अपॉन 4l, और सिर्फ उसके ऑड मल्टीपल ही पॉसिबल होते। उस तरह का भी सवाल अगर आएगा कर ही लोगे यार, अब तो स्मार्ट हो चुके हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब ये एंड करेक्शन वाला फंडा समझ गए हो, और आप ये भी समझ गए हो कि एंड करेक्शन है ना ये यूज कब करना है। बेटा एंड करेक्शन तब यूज करना है जब आपको रेडियस दे रखी हो, अदरवाइज बेटा कोई इसका अर्थ है नहीं। ऐसे ऐसे नहीं कि आप हर सवाल में सोच लग जाओ कि अरे सर इसमें एंड करेक्शन कितना होगा कितना होगा ना। तो चलिए और नेक्स्ट इज, अब वो एक्सपेरिमेंट जिससे बेटा हम लोगों ने ये एंड करेक्शन वाली बात को शुरुआत में निकाला था, दैट इज रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, दैट इज रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड एंड यूज्ड टू फाइंड एंड करेक्शन। बल्कि सबसे पहली बार एंड करेक्शन को इंट्रोड्यूस ही एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ही किया गया था। सुनना बच्चों, सबसे पहले अच्छा बड़ा ये तो बात होगी कि क्या काम आता है। इट इज बेस्ड ऑन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बड़ा? दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है सुनिएगा।
ऐसे बड़ा एक पाइप लीजिए बड़ा, इसे हम रेजोनेंस ट्यूब भी कह सकते हैं, सिंपल ट्यूब है, कोई ऐसे नए प्रकार की ट्यूब नहीं, सिंपल ट्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर ट्यूनिंग फोर्क रखिए ऐसे। ट्यूनिंग फोर्क कैसे रखना है मैं आपको समझा चुका बेटा। आप चाहते हो कि इस पाइप के अंदर साउंड आए तो ट्यूनिंग फोर्क यू रखना है ऐसे, यूनिक ट्यूनिंग फोर्क ऐसे रखोगे, ट्यूनिंग फोर्क यू रखोगे तो इन पार्टिकल्स को मूव कराने की कोशिश करेगा और वेव ऐसे क्रिएट करेगा। हमें वेव क्रिएट करनी है ऐसे, तो ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे ऐसे रखिए बेटा, ये वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऐसे। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं वो छोटे छोटे एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस करते हैं। ये एम्पलीट्यूड बड़ा 0.1 मिलीमीटर से लेकर माइक्रोमीटर के ऑर्डर तक आते हैं। ये जो बातें बोल रहा हूँ बड़ा, ये IIT ने एक कॉम्प्रिहेंशन में या फिर किसी मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में पूछ रखी है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लेट से आपके पास F है। इस पाइप को आपने, इस रेजोनेंस ट्यूब को आपने ऊपर तक फिल कर रखा है और यहां पर बड़ा नंबरिंग है ऐसे स्केल की, दिस इज जीरो एंड देन बड़ा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्केल है साथ में, सब में स्केल है, पूरा स्केल है बेटा नीचे से लेके। ऐसे बना दो अलग, तुम समझ के बना दो, मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया ऐसे दिखाने के लिए, ऐसे स्केल है, ठीक। और हमने क्या किया कि शुरुआत में जो है वो मैंने इस पूरे की पूरी पाइप को ऐसे ऊपर पानी तक भर दिया, और आप क्या कर सकते हो, एक तो यहां पर एक पानी का आउटलेट, पानी बाहर निकालने का जुगाड़ कर सकते हो। तो पानी जैसे यहां से बाहर निकलेगा पानी की लेयर लगातार नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो कि इसी पाइप को यूं ले जाके एक दूसरे पाइप से भी ले जा सकते हो। अब जैसे आप उस दूसरे पाइप को नीचे करोगे ऊपर करोगे तो इसका लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। कुल मिला के आपको इस पानी के लेवल को ऊपर नीचे करना है। आप ऐसे होल करके भी पानी के लेवल को नीचे कर सकते हो या फिर इसी पाइप को ऐसे दूसरी पाइप से जोड़ दो और दूसरे पाइप को नीचे करके ऊपर करके भी आप इस पानी के लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हो, मर्जी आपके। अब मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक होल कर दिया, होल करते ही पानी का लेवल लगातार नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इस ट्यूनिंग फोर्क की तगड़ी साउंड इस रेजोनेंस ट्यूब के अंदर सुनाई देगी। जैसे सुनाई देगा रुक जाना, मतलब इस नल को बंद कर देना। उस टाइम पर पक्की बात है कि इस ट्यूनिंग फोर्क के और इस रेजोनेंस कॉलम ट्यूब के बीच में रेजोनेंस हो गया है। और रेजोनेंस कैसे हो गया सुनना, जैसे ही आपको तगड़ी आवाज सुनाई दे समझ जाना कि ट्यूनिंग फोर्क और इस पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल के बीच में, इस सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट के बीच में रेजोनेंस हो गया है। और ये हमारा फर्स्ट रेजोनेंस है, मतलब फंडामेंटल मोड है। सुनना आप, इस लेंथ को मेजर कर लो। आप कहोगे सर यहां पर स्केल लगा होगा, मैंने कर ली सर मेजर, ये लेंथ है L1, फंडामेंटल मोड है। ये वाला एंड ओपन है तो यहां पर प्रेशर का नोड बनेगा, और ये जो पानी की सरफेस है इट इज बिहेविंग लाइक ए क्लोज्ड एंड। ये जो पानी की सरफेस है ये कैसे बिहेव कर रही है, जस्ट लाइक ए क्लोज्ड एंड, दिस एंड इज योर ओपन एंड एंड दिस एंड इज योर क्लोज्ड एंड, फेयर एनफ। प्रेशर जैसे मैंने कहा बेटा उसका नोड यहां ना आकर हल्का सा बाहर आता है, यहां से यहां तक फंडामेंटल मोड में मेरे बच्चे जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाफ लूप बनता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों भूले तो नहीं, फंडामेंटल मोड में सिर्फ और सिर्फ हाफ लूप बनता है, नोड से स्टार्ट एंटी नोड पे खत्म। और इक्वेशन कितनी प्यारी सी बन गई है देखना, कि ये मेरा एंड करेक्शन पता नहीं कितना है, लेट्स से दिस इज ई, नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस कंसेक्यूटिव, नोड से एंटी नोड तक की जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाई 4 होती है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि दैट शुड बी इक्वल टू दिस L1 प्लस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो पहला रेजोनेंस हो गया, अगली बार फिर से रेजोनेंस होगा। अगली बार फिर से रेजोनेंस तब होगा जब इसकी लेंथ इतनी होगी कि डेढ़ लूप बन जाए, डेढ़ मतलब 1.5। फिर एक बार फिर से रेजोनेंस होगा, कब, जब इसके 2.5 लूप बन जाए, मतलब 2.5 लूप बन जाए। तो आप एक काम करना बेटा, अब यहां से पानी और निकालो। पानी निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया,
अब जैसे ही पानी निकलेगा, बड़ा ऑब्वियस बात है कि रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो आपको उतनी अच्छी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर अचानक से फिर से आपको अच्छी खासी आवाज़ सुनाई देगी। अगली बार अच्छी खासी आवाज़ तब सुनाई देगी जब फिर से रेजोनेंस होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से रेजोनेंस कब होगा? अरे भाई, फिर से रेजोनेंस तब होगा जब डेड लूप बनेंगे, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक में बड़ा फिर से अच्छी खासी आवाज़ सुनाई देगी। जैसे अच्छी खासी आवाज़ सुनाई दे, यहाँ पर टैप को बंद कर देना और बंद करके वापस से ये वाले लेंथ को मेजर कर लेना। बड़ा मान लो कि आपने यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ मेजर की है, लेट्स से दिस इज एल टू, ये आपने मेजर कर लिया, ये लेंथ आपने मेजर कर लिया। अब आप बोलोगे सर हो गया हमारा काम, तो नोड से नोड तक की डिस्टेंस लैम्ब्डा बाय टू, कंसेक्यूटिव नोड से नोड तक की डिस्टेंस तो लैम्ब्डा बाय टू, और नोड से एंटी नोड तक, ये तो एंटी नोड ही है, ये तो क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, पानी इसमें चला। नोड से एंटी नोड, कंसेक्यूटिव नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस लैम्ब्डा बाय फोर, लैम्ब्डा बाय टू प्लस लैम्ब्डा बाय फोर, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी थ्री लैम्ब्डा बाय फोर, एंड दिस थ्री लैम्ब्डा बाय फोर शुड बी इक्वल टू यहां से तक की लेंथ एल टू प्लस ये। काम बन गया बेटा अपना, बढ़िया तगड़ा काम बन गया अपना। सर मुझे लैम्डा चाहिए, माइनस कर दो। सर मुझे ई चाहिए, डिवाइड कर दो। एंड करेक्शन चाहिए, डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया थ्री इज एल टू प्लस ई अपॉन एल वन प्लस ई। 3 टाइम्स L1 प्लस 3E इज L2 प्लस E, E की वैल्यू आ गई L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये एंड कनेक्शन आ गया। अब ये जो आपका रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट था, ये अलग अलग सिलेंडर के साथ किया गया, पतले सिलेंडर के साथ, मोटे सिलेंडर के साथ, और मोटे सिलेंडर के साथ। फिर पाया गया कि हर बार जो एंड करेक्शन था वो इस तरह से आया कि पतले सिलेंडर का एंड करेक्शन कम आ रहा है, मोटे का ज़्यादा आ रहा है, और मोटे का और ज़्यादा आ रहा है। तो लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कहीं एंड करेक्शन जो है वो रेडियस के साथ वेरी तो नहीं कर रहा, और हर बार जो एंड करेक्शन को उस रेजोनेंस कॉलम का जो सिलेंडर था उसके रेडियस से डिवाइड किया गया, तो हर बार 0.6 आया। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स किया गया, और हर बार ये जो एंड करेक्शन हमने एक्सपेरिमेंट निकाला है, इस एंड करेक्शन को बार बार उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सिलेंड्रिकल ट्यूब आपने यूज कर रखी है उसके रेडियस से डिवाइड किया गया, तो ये रेशियो बड़ा मोर और लेस 0.6 और 0.6 के आसपास आया। हालांकि एक्सपेरिमेंट में जानते हो हल्की फुल्की एरर्स तो होती है, तो 0.6 से कम भी आया, 0.6 से ज्यादा भी आया, लेकिन जो मीन वैल्यू आई वो आपकी 0.6 आई, और यहां से हमने बोलना स्टार्ट किया कि जो एंड करेक्शन है ये आपका 0.6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। आई होप इट्स ओके। सर मुझे लैम्डा चाहिए। अच्छा बेटा, तुम जिद कर रहे हो मेरे सामने, तो माइनस कर दो। मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, मेरे पास आ गया लैम्डा बाय टू इज इक्वल्स टू एल टू माइनस एल वन। तो अगर आपको इस साउंड वेव की वेवलेंथ चाहिए तो आप कह सकते दैट इज टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन, दैट इज टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन। सर मुझे तो आपने कहा था कि ये स्पीड ऑफ साउंड निकालने का काम आता है। हाँ बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑफ कोर्स वेवलेंथ ऑफ द साउंड मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी विल बी द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क इज द सोर्स ऑफ द साउंड। सो आप कह सकते हैं दैट कम्स आउट बी टू टाइम्स एल टू माइनस एल वन इन टू एफ, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। समझ गए बेटा? एक बात बड़ा मैं यहां पर और बोल दूं कि पहले रेजोनेंस में जिस इंटेंसिटी से साउंड आएगी, अगले रेजोनेंस में साउंड आएगी अच्छी, लेकिन पहली वाली जो रेजोनेंस थी उसके मुकाबले कम आएगी। पहले केस में साउंड जो थी वो सिर्फ इतने स्पेस में थी, अगले में ज्यादा स्पेस में है तो उसमें साउंड हल्की सी कम आती है, अगर हम रिलेटिव कंपेरिजन करें तो। बाकी ऑफकोर्स आपको पहली बार में भी अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी, अगली बार में भी आपको अच्छी खासी साउंड सुनाई देगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वाले जो साउंड है बेटा वो थोड़ी सी रिलेटिवली पहले बार जो मैक्सिमा है उसके मुकाबले कम रहेगा।
ये बेटा हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशन है। चाहो तो आप लोग इनके फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। बाकी बेटा ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने आपको लॉजिकली सारे की सारी बात बता दी है, तो आप ना भी याद करो तो कोई ऐसे पहाड़ नहीं टूट पड़ा बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं बेटा हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं। सवाल करते हैं बेटा, ऐसे ही सिंपल वैल्यू पुट करने वाला सवाल है। इन रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स एट एयर कॉलम लेंथ L1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एयर कॉलम मतलब समझ लेना जितने में एयर है, एयर कॉलम लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट अकर्स एट L2 इक्वल्स टू 92 सेंटीमीटर्स। फाइंड एंड करेक्शन रेडियस ऑफ रेजोनेंस ट्यूब एंड थर्ड इज स्पीड ऑफ साउंड। करें बेटा, व्हाट इज एंड करेक्शन? एंड करेक्शन इज ऑफ कोर्स L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। L2 है 92 सेंटीमीटर्स माइनस 3 टाइम्स L1, L1 कितना बेटा 30 सेंटीमीटर्स अपॉन 2। 92 माइनस 90 बेटा कितना हो गया 2 1 सेंटीमीटर आ गया बेटा एंड करेक्शन। एंड करेक्शन आ गया 1 सेंटीमीटर, अच्छी बात बेटा। रेडियस कितना होगा? आप कह सकते हो कि एंड करेक्शन इज 0.6 टाइम्स ऑफ आर, तो रेडियस आ गया है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.6। आई थिंक दैट इज 5/3 सेंटीमीटर्स 1.67 सेंटीमीटर्स, अच्छी बात। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड, अरे बेटा स्पीड ऑफ साउंड बताने के लिए बेटा मुझे ना वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, तो मैं सवाल में लिख देता हूं। मैं बेटा फ्रीक्वेंसी भी लिख रहा हूं, फोर हंड्रेड हर्ट्ज। अदरवाइज बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं दूंगा तो आप लैम्डा जरूर निकाल सकते हो, है ना, लेकिन स्पीड नहीं आएगी, ठीक। दैट इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1। बेटा L2 माइनस L1 करना कहाँ गया यार? L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 इज 62 सेंटीमीटर। 62 सेंटीमीटर इज ऑफ कोर्स 0.62 मीटर। फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज ऑल्सो नोन एज 1/सेकेंड। बेटा 1/सेकेंड मेरे पास बड़ा आंसर आ गया, दैट इज 2 × 62 × 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना। 496 मीटर्स पर सेकेंड, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कोई बहुत इतना बड़ा टफ मामला तो नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अच्छा एक्सपेरिमेंट था बेटा, ठीक है। इस पर आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे जेई मेन हो चाहे बेटा IIT एडवांस्ड, दोनों में ही इसके सवाल खूब बार पूछ रखे हैं, ठीक है। लेकिन कितनी बार ही क्यों ना पूछ लो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही यार, है ना, उसके सवाल तो वापस से पूछ सकते हैं। जेई मेन के अंदर
तुम जानते हो हर साल 12 पेपर बनते हैं बेटा, जनवरी अटेम्प्ट में 6 पेपर, नेक्स्ट जो अप्रैल में होता है उसमें 6 पेपर, और है ना, तो 12 पेपर में से मान के चल लो कि ना यार ना 2-3 पेपर तो ऐसे होंगे होंगे कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर सवाल आ ही जाएगा, एंड करेक्शन में सवाल आ ही जाएगा, तो आना ही चाहिए था ना। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इज कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटी सी बात है, बस आपको नाम पता होना चाहिए और क्या करता है ये पता होना चाहिए, बाकी बस भाई इंफॉर्मेशन पता होगा तो सवाल वैसे हो जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान सा चिल टाइप सा काम है बेटा, सुनिएगा। नेक्स्ट इज कुंड्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या कहता है सुनिएगा। ये आपके पास एक बड़ा एक पाइप है, इस तरह से सिलेंड्रिकल पाइप, दिस इज सिलेंड्रिकल पाइप। एक तरफ आपने क्या किया कि क्लोज कर दिया है इसे, एक तरफ बड़ा आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक। दूसरी तरफ भी आपने कर तो बड़ा क्लोज ही रखा है, लेकिन साथ में ऐसे एक रॉड भी लगा रखी है आपने, साथ में आपने ऐसे एक रॉड भी लगा रखी, ठीक है, रोड भी लगा रखी, बीच में जो एयर है उसमें आपने बड़ा एक पाउडर मिक्स कर रखा है, ऐसे कोई पाउडर मिक्स कर रखा है, बहुत ही लाइट सा पाउडर है, मोस्टली बेटा हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर मिक्स करते हैं, हालांकि सिंपल जो टाक पाउडर होता है वो भी चलेगा, जो टाक पाउडर होता है बेटा वो भी चलता है, ठीक है, इवन टाक पाउडर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइकोपोडियम पाउडर इज इवन लाइटर, तो वो भी चलता है, ठीक, एक ही बात। अब ये जो एंड है जिसको आपने क्लोज कर रखा है, ये वाला एंड तो आपका फिक्स है, लेकिन अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बने, इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ये जो बाहर से रॉड निकली हुई है ना, इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाऊंगा, और जब ये यू यू ऑसिलेट करेगा तो सारे के सारे मीडियम पार्टिकल्स यू यू ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, ऑसिलेट करेंगे, तो हो सकता है कि किसी न किसी फ्रिक्वेंसी के लिए अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन जाए, और अगर स्टैंडिंग वेव्स बन गए तो ऑफकोर्स तुम जानते हो कुछ डिस्प्लेसमेंट के नोड्स होंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड्स होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर जनरेट करने की कोशिश की, उसको तुम दो तरीके से जनरेट कर सकते हो, एक तो ये कि जो रॉड है इसको अगेन एक रेजिन क्लोथ से ढको, और बेटा उसको ऐसे इस तरह से अपन ऑसिलेट करके अंदर बेटा इस तरह से फ्रीक्वेंसीज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इस रॉड को बेटर ये होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से जोड़ दें जिसकी फ्रीक्वेंसी लेट से एफ है, और वो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर खुद जो है वो ऐसे 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 यू यू एफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, वो यू यू एफ एफ फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट करेगा तो ये वाला जो एंड है ये भी एफ फ्रीक्वेंसी से यू यू ऑसिलेट करेगा, ये अगर एफ फ्रीक्वेंसी से यू ऑसिलेट करेगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा एफ फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, तो एक वेव जाएगी आएगी जाएगी आएगी, अंदर बन जाएंगे स्टैंडिंग वेव्स, और अगर स्टैंडिंग वेव्स बन गई तो आप जानते हो कहीं पर डिस्प्लेसमेंट का नोड, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, क्या कि जहां कहीं डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, तो होगा क्या कि ये वाला पार्टिकल तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, जो पार्टिकल इसके ऊपर है वो तो मूव नहीं करेंगे, और बाकी पार्टिकल जो होंगे वो यू यू ऑसिलेट करेंगे, उसके आस पड़ोस में आएंगे जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर अगर अगला डिस्प्लेसमेंट का अगर एंटी नोड है तो ये वाले पार्टिकल तो यहीं पड़े रहेंगे, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, सॉरी बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये आपके डिस्प्लेसमेंट का नोड है, ये भी मान लीजिए बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट का नोड है,
तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट के नोड होंगे वहां पर जो लाइकोपोडियम पाउडर के पार्टिकल्स होंगे ना, वो वाले पार्टिकल तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन उनके साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो यूं बार 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 ऑसिलेट करेंगे और ग्रेविटी के कारण लगातार नीचे की तरफ गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि जो आपका नोड वाला पॉइंट है उसके ऊपर जितने लाइकोपोडियम के पार्टिकल थे वो तो मूव ही नहीं कर रहे थे, तो वो तो ग्रेविटी के कारण लगातार धीरे 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 गिरते जाएंगे, और साइड वाला जो पार्टिकल्स हैं वो बड़ा ऑफ कोर्स यूं ही ऑसिलेट करेंगे 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 करेंगे, तो वो भी बड़ा कभी ना कभी धीरे धीरे आते 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 यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स लगातार इकट्ठे होते जाएंगे और जहाँ कहीं आप पर आपके डिस्प्लेसमेंट के नोड होंगे वहाँ के पार्टिकल तो मूव करेंगे नहीं, तो आपको ऐसा दिखेगा कि अंदर जो है लाइकोपोडियम पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े तो हर जगह पड़े, थोड़े थोड़े तो हर जगह पड़े, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स पर लाइकोपोडियम के पार्टिकल्स ज़्यादा पड़े हैं। क्यों ज़्यादा पड़े? क्योंकि उनके ऊपर वाले पार्टिकल तो मूव ही नहीं किए, वो तो सीधे गिर गए, और साइड वाले पार्टिकल भी ऑसिलेट करते 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 वो भी ऑसिलेट करते 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 यहाँ गिर गए, तो यहाँ पर पार्टिकल से गिरने की थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं। आप एक काम करना, जिन दो पॉइंट्स पर लाइकोपोडियम के ढेर लगे हैं, जहाँ पर लाइकोपोडियम ज़्यादा गिरा हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लो, आप बस हो गया। हम जानते हैं कि ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के कंजिक्यूटिव नोड्स हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट के अगर कंजिक्यूटिव नोड्स हैं तो दिस एल शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई टू, एज वी नो दैट कि सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इज ऑलवेज लैम्डा बाई टू। तो हुआ ये, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, ये वाला एंड तो क्लोज है, ये वाला एंड भी था तो क्लोज, लेकिन हमने इसको एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर से जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूं ऑसिलेट हुआ तो ये यूं ऑसिलेट हुआ, तो अंदर एक वेव आई, ट्रेवलिंग वेव आई, लेकिन वो आई टकराई तो अंदर स्टैंडिंग वेव बन गई, वो स्टैंडिंग वेव बनने के बाद सारे के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे थे कुछ एक पार्टिकल्स को छोड़ के। कौन से वाले पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहे थे? जहां पर बड़ा ऑफकोर्स हमारे डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा वो ऑसिलेट नहीं करते, वो पार्टिकल लगातार नीचे गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए, और साइड वाले जो पार्टिकल है वो भी बड़ा ऑफकोर्स कभी ना कभी तो बीच में आएंगे, वो भी लगातार ऐसे गिरते गए गिरते गए गिरते गए। बाकी जगह आपके लाइकोपोडियम पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी, और जहां जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट का नोड था वहां पर आपके लाइकोपोडियम पाउडर आपका ज्यादा इकट्ठा होगा। जिन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पर लाइकोपोडियम पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हुए उनके बीच का सेपरेशन निकाल लो, एंड दैट सेपरेशन विल बी ऑफ कोर्स लैम्डा बाय 2, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि हमारे पास जो साउंड वेव थी उसकी वेवलेंथ आ गई है लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल, वेयर एल इज द सेपरेशन बिटवीन टू हीप्स, एल इज सेपरेशन बिटवीन टू consecutive heaps of lycopodium powder या बड़ा dark powder जो बोलना चाहो। सर मुझे तो speed of sound चाहिए, अरे बड़ा speed of sound will be lambda into frequency, frequency will be of course 2 times LF, ये बड़ा आपका आ गया speed of sound, ये बड़ा आ गया आपका स्पीड ऑफ साउंड, आई होप इट्स ओके। आगे चलो बच्चों, चलिए बेटा एक बार इतना ही, आप अपनी एसेंशियल शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर आप जो साउंड के बीट वाला जो सेक्शन है उसको एक बार छोड़ देना। साउंड बीट बेटा नाम से एक सेक्शन होता है, सेक्शन एबीसी होता है ना, उसमें एक में बीट होगा, तो बीट वाला सेक्शन छोड़ देना उसका अगला सेक्शन जो है वो बेटा आपका रेजोनेंस का ही है, तो उसे निपटा सकते हो। उसमें एक दो सवाल हो सकते हैं बीट क्या है, तो आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो, बीट अपन कल पढ़ते हैं।